हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक? आप भी आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखो, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि फैक्टराइजेशन मेथड किसे बोलते हैं, फैक्टर किसे बोलते हैं, मल्टीपल किसे बोलते हैं, और हमने फैक्टराइजेशन के दो मेथड पढ़े थे। एक एक मेथड था ट्री मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं HCF। क्या पढ़ने वाले हैं? HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसको दूसरी क्या कहा जाता है? जीसीएफ भी बोल सकते हैं और जीसीडी। देखो, ग्रेटेस्ट, ठीक है, कॉमन डिवाइजर, ओके, और ग्रेटेस्ट, सॉरी, ये फैक्टर हुआ और ये डिवाइजर। तो ये सारे क्या हैं? सिर्फ नाम है अभी तो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। तो देखो, HCF अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें तो HCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ डेफिनेशन, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ज्यादातर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर डेफिनेशन पर ही चलते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को तो देखते ही नहीं। तो हमें हमेशा कॉन्सेप्ट को भी देखना चाहिए, ठीक है। इस हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स। देखो क्या है कि ग्रेटेस्ट, देखो ये जो है ना HCF, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि अभी आपको सिर्फ ये डेफिनेशन बताया, लेकिन हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज को कि हमारे पास है दो नंबर्स हैं, एक 12 है और एक 20 है, ठीक है। अब देखो, 12 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। 20 का 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और 5 होगा, 10 होगा और 22 होगा। अब देखो, इसमें एक नंबर है कॉमन, है दोनों में कॉमन है 4, दूसरा तो कोई कॉमन नहीं है। तो देखो, ये सब में हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इनका फैक्टर है ये सारे, क्या है, फैक्टर्स हैं ये सारे, क्या है, फैक्टर्स हैं ये, इनका कॉमन फैक्टर है। लेकिन कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? तो क्या है HCF इसकी, क्या होगी? 4, क्योंकि यही तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलो ये लिख लो, ठीक है। अब देखो, हम आगे और डिस्कस करते हैं।
सपोज करो कि क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन दो मेथड में होता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है? देखो, हमारे पास सपोज करो दो नंबर हैं, एक है 24 और दूसरा 40 है। अब इसके हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इनके अलग अलग हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स तो हमने पढ़ा है कैसे निकाले जाते हैं। 24 के फैक्टर निकालो, 2 का टेबल लगा 12 टन, 2 का 6 टन, 2 का 3 टन और 3 का 3 टन। समझ आ रहा है? 3 का 3 टन और यहाँ सॉरी 3 का 1 टन। हाँ, अब देखो 40 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, 2 टन, 0 का 0, 1 टन, 0, 2 टन, 5 टन और 1 टन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखेंगे। नंबर लिखो आप, उसके फैक्टर लिखो, 2 2 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो, इसमें जो कॉमन होंगे वो हम लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो इनको जो कॉमन निकलेंगे उनमें से हम एक ले लेंगे। इसमें से एक लिया, ठीक है, फिर इसमें से एक लिया और फिर इसमें से एक 2 लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 8 क्या है? 8 क्या है हमारी? HCF है। अब देखो, हमने ये तो निकाली 8 HCF निकाली, इस नंबर की हमने क्या निकाली? 8, 24 और 40 का HCF निकाला। अब देखो, HCF हमेशा क्या होगा कि नंबर से छोटा ही होगा। हमें दो या दो से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं तो HCF उनका हमेशा छोटा ही होगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना क्या है? ये फैक्टर है इनका, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अब देखो, अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन में मेथड में करें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखो, जैसे इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ यही रखता हूँ कि हमें आंसर क्या मिला है? 8 मिला है। इसमें भी देखना 8 मिलेगा। देखो, 24 था और 40 था। अब जो बड़ा नंबर हो उससे आप छोटे नंबर को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। डिवाइजर क्या? छोटा नंबर रखो और बड़ा नंबर क्या? डिविडेंड। एक बार लगेगा, आप यहाँ लिखो क्वेश्चन, एक बार लगा 24 कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। फिर क्या बना लो? इसको डिवाइजर बना लो और उस जो पहले हमने डिवाइजर बनाया था उसको डिविडेंड बना। देखो, रिमाइंडर को आप क्या बनाओगे? डिवाइजर बनाओगे। याद रखना, क्या यहाँ रिमाइंडर को क्या बनाओगे? डिवाइजर बनाओगे। जब तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 24 इसको डिविडेंड बनाओगे, फिर एक बार लगेगा 16 टाइम, फिर 8 आएगा, फिर इसको डिवाइजर बना लो,
ठीक है, ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। अब इसको डिवाइजर बनाया तो इसको हम क्या बनाएंगे? डिविडेंड बनाएंगे। ठीक है, अब इसको दो बार लगेगा 16। अब क्या है, रिमाइंडर 0। अब हम क्या करते हैं डिवीजन में, तो हम कोशेंट को आंसर चुनते हैं, लेकिन एचसीएफ में हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो डिवाइजर है उसको ही हम एचसीएफ चुनेंगे। 8 आया? 8 आया या नहीं? बिल्कुल आया। 8 क्या आया हमारा? लॉन्ग डिवीजन मेथड में एचसीएफ आया, और यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ आया। अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो, हमारे पास और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो, हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 72 है, ठीक है, और क्या है 81 है। अब इनका आप दोनों तरीके से करेंगे। देखो, 72 का निकालो 3 टाइम और 6 टाइम, सॉरी 2 का 1 टाइम और 8 टाइम, 2 का 9 टाइम, 3 का 3 टाइम, 3 का 1 टाइम, 81, 3 का। क्यों? देखो, मैंने आपको पहले भी पिछले में बताया था कि जिसके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसको 2 का टेबल जरूर लगेगा। ठीक है, ये भी रूल्स हम पढ़ेंगे, देखना। 2 और 2 उस तरफ गए 7 टाइम, सॉरी 3 का 9 टाइम, 3 का 3 टाइम, 3 का 1 टाइम। अब क्या रखो गया? 72 के रखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और 81 का 3 × 3 × 3 × 3, ये 3 इससे और ये 3 इससे, ये 3 इससे, ये 3 इससे, बाकी तो मिल ही नहीं रहा। हमेशा याद रखना कि एचसीएफ में हम कभी भी नॉन कॉमन नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन है 1 3 ले लो, ठीक है, और दूसरा 1 3 ले लो, क्या आया एचसीएफ? क्या आया हमारा? 9 है। ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे? बड़े को छोटे से करें तो बड़ा क्या है? 81 है और छोटा 72। एक टाइम लगा 72, कितने बचेंगे? जल्दी 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 बताओ, 9 बचेंगे। ठीक है, अब क्या आया भाई? सॉरी, क्या आएगा? 9। अभी आप क्या करो, डिवीजर 8, 8 टाइम 72, 72 0। ठीक है, अब हमारा क्वोशेंट क्या है? ये क्या है क्वेश्चन? है क्वेश्चन है या नहीं? क्वेश्चन है। और ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, बिल्कुल। क्या? ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF
होगा। ठीक है, तो देखो ये था हमारा HCF के, HCF किसे बोलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन जैसे 81 और 105, और दूसरा ट्वेंटी वन और 27, ये बहुत काफी है। तो ये आप कोशिश करना और मुझे क्या करना, कमेंट में आंसर भेजना, और आपको मैं जरूर जवाब दूंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो ऐसे इंटरेस्टिंग मैथ के बेसिक वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।